Once again, welcome back here. Hope so you all are doing well and hope so आप लोगों की preparation भी अच्छी हो रही होगी. तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ physics की pairing schemes share करनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि जैसे कम दिन रह गए हैं 2022 days I guess रह गए हैं physics के paper में. तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसकी prep किस तरह करें एक proper एक schedule एक scheme को follow करने के लिए. तो आपके साथ मैं pairing scheme share कर रही हूँ. अब की पेयरिंग स्कीम मोस्टली जो लास्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम थी वही वाली पेयरिंग स्कीम है. तो अभी मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जो अभी तक की पेयरिंग स्कीम हमारे पास आई है. तो जैसे ही अगर इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग आई तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा. तो चलें देख लेते हैं. फिजिक्स में बेसिकली हमारे पास 10 चैप्टर हैं. अब आप देखें चैप्टर नंबर 12 उसमें से 2 MCQs 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आएगा. 13 उसमें से ये MCQ शॉर्ट और लॉन्ग. 14 में से ये MCQ शॉर्ट और लॉन्ग. ये इस तरह से ये मैंने सारा इधर दे दिया है. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक होगा. उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग ये डाउनलोड भी कर सकेंगे. डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इधर ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए ये मेरे पास है. इधर आप लोग के पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी PDF फॉर्मेट में. आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि शॉर्ट जो आता है MCQ के बाद, उसमें 12 आपके पास शॉर्ट होंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं. और ये पार्ट आपके किन चैप्टर्स में से होगा, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15. आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 3, इधर भी 12 आपके पास शॉर्ट होंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं. और ये किस चैप्टर में से आएंगे, ये 13, 16, 17 और 18. क्वेश्चन नंबर 4, ये अब आप देख सकते हैं कि इधर आपके पास 9 शॉर्ट गिवन होंगे जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं. और इसमें चैप्टर कौन से इंक्लूडेड, 19, 20, 21. आगे लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने टोटल कितने करने हैं, 3 करने हैं. ठीक है, तो अब पहला लॉन्ग आपके पास होगा चैप्टर 12 और 13 में से, 14 और 15, 16 और 18, 17 और 21, 19 और 20. अब मेरी कुछ बातें गौर से और ध्यान से सुन लें. पहली बात, कैसा कहीं पे भी गिवन नहीं है कि 12 में से न्यूमेरिकल या 3 पार्ट आएगा और 13 में से न्यूमेरिकल. ऐसा भी हो सकता है कि 13 में से न्यूमेरिकल आ जाए और 12 में से 3 आ जाए. बट अब ज़रा आप लोगों ने थोड़ा अपने सेंस को देखते हुए अब आप लोगों ने देखना है न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर में ज़्यादा हैं. जिस चैप्टर में ज़्यादा है उस बात की ऑब्वियस ये यही है कि उस चैप्टर को वो एज अ न्यूमेरिकल ट्रीट करेंगे. अब जैसे बोलते चैप्टर नंबर हमारे पास 18 है एंड आई गेस 15 या 16 वो आप अपने स्मार्ट सिलेबस में चेक कर लीजिएगा, उसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स हैं. जो चैप्टर नंबर 21 है उसमें एक दो न्यूमेरिकल छोड़ के सारे न्यूमेरिकल्स हैं. वैसे तो मोस्टली बच्चे चैप्टर नंबर 21 को छोड़ देते हैं लेकिन चैप्टर नंबर 21 में से 4 शॉर्ट आने हैं. तो चैप्टर नंबर 21 के बारे में आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, छोड़ना है बट लॉन्ग के उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट नहीं करना चैप्टर नंबर 21 को. चैप्टर नंबर 21 में आपके जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट है आपने वो सारे कर लेने हैं और आपने न्यूमेरिकल सारे चैप्टर नंबर 21 के जितने भी ALP में हैं आपने वो अटेम्प्ट कर लेने हैं. उसके अलावा पास पेपर में आपने चेक करना है जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आए ना, बस वो करें. चैप्टर नंबर 21 के बस इतना ही कर लें, इतना ही काफ़ी रहेगा. और जो चैप्टर नंबर 17 है वो वैसे ही छोटा है, इसके भी इस तरह से शॉर्ट और प्रिपेयर करें और न्यूमेरिकल प्रिपेयर करें. जो चैप्टर नंबर 17 के अब आप शॉर्ट प्रिपेयर करेंगे ना तो उसमें ऑलमोस्ट आपके लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएंगे. तो चैप्टर नंबर 17 का कोई ऐसा इश्यू नहीं है. तो इसलिए चैप्टर नंबर अब यानी कि अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ चैप्टर नंबर 21 को एज अ लॉन्ग छोड़ दें, बाकी इसमें से न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा करने हैं क्योंकि इसके मोस्टली चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 21 में से न्यूमेरिकल आ जाए और चैप्टर नंबर 17 में से 3. दूसरी बात ये कि बच्चों को जो मोस्ट फेवरेबल चैप्टर्स होते हैं जिसमें बच्चे आराम से कर सकते हैं और उनके नंबर भी आ सकते हैं, वो कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर 12 और 13, 14, 15, 16 और 18. जी हाँ, यानी कि अगर आप ये 6 चैप्टर पक्के पानी अपने फिंगर टिप्स पे कर लें तो आपका लॉन्ग सेक्शन बिल्कुल अटेम्प्ट हो जाएगा. उसके अलावा जब 17 और 21 में से आप शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एक एडवांटेज ये भी होगा कि अगर इन 3 में से आपको किसी एक में इशू आ रहा है तो आपके पास एक ही इलेक्टिव के तौर पे आप लोगों के पास ये होगा. और चैप्टर नंबर 19 और 20 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब अगर यानी कि जो बच्चे परेशान है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, उनको मैं बता दूँ, सारे शॉर्ट अटैम्प्ट करें, सारे न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करें, सिर्फ ये 6 चैप्टर के 12, 13, 14, 15, 16, 18 के लॉन्ग प्रिपेयर कर लें
और 17 और 21 के शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स हो गए तो आपका ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। 19 और 20 में से अब आप देख सकते हैं, इन 19, 20, 21 में से आपका लास्ट पार्ट आना है, तो इसके लिए आप लोग जितने पॉसिबल शॉर्ट आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में और जितने एएलपी में हैं, और खुद अगर आप लोगों के पास टाइम बच जाए तो चैप्टर को एक बार रीड करें और उसमें से जितने पॉसिबल शॉर्ट बनते हैं उसको आप खुद शॉर्ट बना के मार्क करें और वो अटेम्प्ट करें। हो सकता है आप लोगों को समझ आ गई हो, बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम क्या बच्चे 20 डेज में प्रिपरेशन करके 85 में से 80 नंबर ले सकते हैं, 82 नंबर ले सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। ज़रा आप लोग ना हार्ड वर्क करें, ज़रा स्मार्टली वर्क करें, स्मार्टली प्ले करें, तो कोई ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अभी तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपके साथ बाकी पेरिंग स्कीम भी शेयर कर दी जाएंगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।